प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की श्रृंखला में आज हमारी पहली वीडियो है, यानी पार्ट वन है, और यहाँ मैं आपके साथ केवल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप अपना पेन एंड पेपर ले लें और क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लें, क्योंकि आपको है ना, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और आंसर आराम से नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग फ्रीक्वेंसी इन रेंजिंग फ्रॉम 1 GHz टू 100 GHz। हमें इसका आंसर बताना है और हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों माइक्रोवेव, यानी कि माइक्रोवेव इज अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 1 GHz टू 100 GHz। बच्चों, मैं आंसर इसलिए नोट करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ऑप्शंस को डायरेक्टली पिक कर रही है, क्वेश्चंस को डायरेक्टली पिक कर रही है। इवन दी डिजिट्स आर नॉट चेंज्ड, क्वेश्चन में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए, तो आप जो एडिशनल पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, बट ये क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है और टाइमली वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट जो यूट्यूब पे करा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिए। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स दैट कम्स अंडर माइक्रोवेव बैंड, हमें बताना है कि हमें कुछ बैंड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा माइक्रोवेव बैंड के अंदर आता है, यानी माइक्रोवेव बैंड के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन ए है सी बैंड, या ऑप्शन बी है डी बैंड, या फिर ऑप्शन सी है ई बैंड, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी ऑप्शन, यानी कि सी डी ई, ऑल द बैंड्स कम्स अंडर माइक्रोवेव बैंड, यानी कि ये तीनों के तीनों माइक्रोवेव बैंड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का मेन एडवांटेज बताना है और मैं आपको आंसर बताऊंगा सीधे। तो इसके लिए जो आंसर है करेक्टली वन वर्ड में वो है हाईली डायरेक्टिव। माइक्रोवेव्स आर हाईली डायरेक्टिव, दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है। तो याद रखना है हाईली डायरेक्टिव, चार ऑप्शंस में से यही आपको सेलेक्ट करना है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट्स रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज अ, आपको बताना है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है। चार ऑप्शंस आपके सामने रहे होंगे उस समय, या होंगे, और आपको करेक्ट ऑप्शन देना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसके लिए वो होगा ऑसिलेटर, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज अ ऑसिलेटर, बहुत ध्यान से याद रखना है। तो क्लिस्ट्रॉन इज व्हाट, ऑसिलेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेम द प्रिंसिपल एट विच क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट्स। इस बार हमें क्लिस्ट्रॉन एक ऑसिलेटर है मालूम है, और ये किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, मतलब हमें ये बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, या करेक्ट आंसर मैं बोलूं, वो होगा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, वेबसाइट का एड्रेस मैंने दिया हुआ है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने यहाँ भी लिखा हुआ है, फुटर पे लिखा हुआ है ना, https mathtraders.blogspot.com। आप यहां जाके विजिट कर सकते हो। अंडर AK2 टैब आपको सिलेक्ट करना है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, तो वहां पे आपके सारे MCQs जो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो एटलीस्ट दिन में आपको एक बार या दो बार आपको वेबसाइट विजिट करना है, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक मैं एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें हर वीडियो के। चलिए, अभी ज्ञान बहुत हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, इन मल्टी कैविटी कैलिस्ट्रॉन, मैंने इसको डार्क किया है, वर्ड को याद रखिएगा, एडिशनल कैविटीज आर इंसर्टेड बिटवीन बंचर्स एंड कैचर कैविटी टू अचीव। और इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है हायर गेन। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें हाई गेन प्राप्त हो, हाई गेन रिसीव हो, अचीव करें हम। इन मल्टी कैविटी कैलिस्ट्रॉन एडिशनल कैविटीज आर इंसर्टेड बिटवीन बंचर एंड कैचर कैविटी टू अचीव
हायर गेन, याद रखना है बहुत अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड इन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। और यहां करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा गिव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर देता हूं और आंसर रीड कर देता हूं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोड इन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा गिव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम। बच्चों एक और लास्ट चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं रेगुलरली PDF अपलोड करता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का जो एड्रेस है वो आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट के एड्रेस के ठीक नीचे। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैंने ईमेल भी इंक्लूड कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्पेस बिटवीन टू कैविटीज इन टू कैविटी कैलिस्ट्रॉन इज, हमें उस स्पेस का नाम बताना है जो टू कैविटी कैलिस्ट्रॉन के बीच में होता है। और आपका करेक्ट आंसर है ड्रिफ्ट स्पेस। इस स्पेस को आप बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस, यानी कि अ स्पेस बिटवीन टू कैविटीज इन टू कैविटी कैलिस्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट स्पेस। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नेट्रॉन इज एन, हमें बताना है कि मैग्नेट्रॉन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैलिस्ट्रॉन पे तो एक क्वेश्चन आपको मिलना ही है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आपको अभी कैलिस्ट्रॉन से रिलेटेड, आप उनको जरूर पढ़िएगा, है ना। तो अभी मैग्नेट्रॉन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन क्या है, तो इट्स एन ऑसिलेटर, जस्ट लाइक कैलिस्ट्रॉन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो एन ऑसिलेटर। सो बोथ रिफ्लेक्स कैलिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन आर ऑसिलेटर, याद रखना है, दे आर ऑसिलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब इज, आपको बताना है कि ट्रेवलिंग वेव ट्यूब क्या है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर है वाइड बैंड एम्पलीफायर। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब इज अ वाइड बैंड एम्पलीफायर, ठीक है। तो अभी पीछे के सारे क्वेश्चंस एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन था आपके पास, डैश इज अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 1 GHz टू 100 GHz, एंड इसका जो आंसर था वो था माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड दैट कम्स अंडर माइक्रोवेव बैंड, तो CDE तीनों बैंड माइक्रोस्कोप माइक्रोवेव बैंड कहलाते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव, मेन एडवांटेज माइक्रोवेव का होता है हाईली डायरेक्टिव है, क्योंकि ये इसका मेन एडवांटेज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव क्लिस्ट्रॉन इज अ, रिफ्लेक्सिव क्लिस्ट्रॉन क्या है ये बताना था, तो मैंने आपको बताया इट्स एन ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेम द प्रिंसिपल एट विच क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट्स, तो जिस प्रिंसिपल क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट करता है उसका नाम बताना था आपको, एंड दिस इज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एडिशनल कैविटी आर इंसर्टेड बिटवीन बचर एंड कैचर कैविटी टू अचीव हाई गेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोड इन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, और इसके लिए करेक्ट आंसर था गिव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, अ स्पेस बिटवीन टू कैविटीज इन टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन वॉज, वॉट इज मैग्नेट्रॉन, सो मैग्नेट्रॉन इज अ ऑसिलेटर। एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब इज अ वाइड बैंड एम्पलीफायर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यार वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और हाँ, वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, वेबसाइट का एड्रेस आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिए, वहाँ मैं रेगुलरली PDF अपलोड करता रहता हूँ, तो PDF आपको मिलते रहेंगे। नोट्स के लिए आप वेबसाइट भी विजिट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले मिलती हैं चीज़ें। अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, जल्दी ही मिलूँगा एक और वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक बात और बता दूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैं आपको कम से कम 120 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। अभी मैं विदा लूँगा आपसे और जल्दी मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।